इन गाइडलाइंस का चैप्टर वन जो है वो वैट के कोर फीचर्स बयान करता है। हम जरा देखते हैं कि ये कोर फीचर्स क्या हैं। पहला कोर फीचर जो है वो बेसिकली वैट का ओवर आर्चिंग पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि वैट टैक्स है फाइनल कंजम्पशन के ऊपर, यानी कि ये टैक्स जो है वो फाइनल कंज्यूमर से लिया जाएगा। इसमें जो वैट कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एजेंट के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, लेकिन वैट का बर्डन बिजनेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ओवर आर्चिंग पर्पस अचीव तभी होगा कि वैट जो है उसका बर्डन जो है वो बिजनेस के ऊपर ना हो, बल्कि वैट का बर्डन जो है वो सिर्फ फाइनल कंज्यूमर के ऊपर हो। इस चीज को इंश्योर करने के लिए वैट के सिस्टम के अंदर एक सेंट्रल डिजाइन फीचर है, और इस फीचर का नाम है स्टेज्ड कलेक्शन प्रोसेस, जिसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजैक्शन की जो सप्लाई चेन है उसके अंदर जो भी बिजनेसेस हिस्सा ले रहे हैं वो बिजनेसेस इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट ले सकें, और उसी से फिर वो जो बर्डन उनके ऊपर आता है वैट का, उससे वो रिलीव हो सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड में ये इंश्योर करने के लिए वैट जो है वो बिजनेस से फ्लो थ्रू हो, तो हमने देखा है कि एक स्टेज्ड कलेक्शन प्रोसेस जो है वो उसको डिजाइन फीचर बना दिया गया है वैट का। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ऐसा क्या किया जाए वैट के सिस्टम के अंदर कि वहां पर भी जो बर्डन है वो सिर्फ अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर के ऊपर ही हो, बिजनेस के ऊपर ना हो। इस हवाले से पार्ट सी है, और वो बयान करता है कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है अगर इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जो है उसको अपना लिया जाए। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जो है, इसके हवाले से WTO की गाइडलाइंस भी इशारा करती हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को यूज़ करना चाहिए। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल जो है उसमें एक बात ये है कि ओरिजिन वाली जुरिस्डिक्शन से वैट जो है वो चार्ज नहीं होता, और जो ट्रांजेक्शन है वो फ्री ऑफ वैट होती है, एक्सपोर्ट्स फ्री ऑफ वैट होती हैं, जो उमन जीरो रेट कहलाता है। और फिर जो डेस्टिनेशन वाली जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू वैट कलेक्ट किया जाता है। इस पर हम डिटेल में बाद में देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। वैट की जो प्रिंसिपल हैं या फीचर्स हैं उसके अंदर ये भी बहुत ज़रूरी है कि ओटावा टैक्सेशन फ्रेमवर्क कंडीशंस में जो टैक्स पॉलिसी की जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स बयान किए गए हैं, वैट का लॉ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के लिए भी, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी इन प्रिंसिपल्स को ज़रूर मद्देनजर रखे और इनको इनफैक्ट मीट करे। ये प्रिंसिपल्स न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल है, एफिशिएंसी का प्रिंसिपल है, सर्टेनिटी, सिंप्लिसिटी, इफेक्टिवनेस, फेयरनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं। यानी कि वैट लॉ को ना सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वैट का बर्डन सिर्फ एंड कंज्यूमर पे हो, बल्कि इसके साथ साथ जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं टैक्स पॉलिसी के, वैट लेजिस्लेशन को इन तमाम प्रिंसिपल्स को भी मीट करना चाहिए।